मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सर्चिंग अभियान चलाया गया, जिसमें भारी संख्या में पुलिस बल ने घर पर छापेमारी की है। इस दौरान 3 घरों से अवैध हथियार, 9 जिंदा कारतूस समेत 1 पेटी शराब बरामद की गई है। दरअसल पंचायत चुनाव के झगड़े को लेकर बदमाशों के घरों की तलाशी की गई, जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है।